अगर आप 5G सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में आप सोचते हैं कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में पैसा लगाकर और पैसा स्टॉक मार्केट से कमाए, तो 5G सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले ये वीडियो पूरा अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। 5G सेक्टर हो या टेली कम्युनिकेशन से स्टॉक्स हो, कितनी बड़ी आपको इसके पीछे का कारण, ताकि आपका पैसा जिस क्षेत्र में लगाएं उस क्षेत्र में कभी भी अगर प्राइस बढ़ता उस सेक्टर का तो आपको बेनिफिट मिले दोस्तों। आप देखे होंगे अगर कोई भी पुराने स्टॉक धारक हैं, शेयर धारक हो या स्टॉक होल्डर हो, पुराने ट्रेडर हो, वो तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नए शेयर धारकों के लिए वीडियो कितना ज़रूरी है। अगर आप टेली कम्युनिकेशंस और 5G सेक्टर स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं और ये बड़े बड़े पोस्टर और बैनर और बड़े बड़ी बातों से आप सावधान रहिएगा दोस्तों। चलिए हम आपको खुलासा करते हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के स्टॉक्स का। आज 5G को लेकर पूरे देश में हलचल मची है और इस हलचल और भीड़ भाड़ की जो जुमलेबाजी और ये बंदर का नाच दिखाकर और उसके पीछे अपना जड़ी बूटी का वो दवा बेचने का जो काम शुरू हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। सपोज डेट हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में हम तेल बेचते हैं, मसाला बेचते हैं, स्नो पाउडर बेचते हैं, सोने चांदी बेचते हैं। उस कंपनी में हम कारखाना चलाते हैं, तेल शोधक करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं। हम उस कंपनी में कपड़े बेचते हैं, हम उस कंपनी में साबुन सर्फ बेचते हैं, हम उस कंपनी में सिम कार्ड भी बेचते हैं दोस्तों। एक ही कंपनी है, हम उसमें सिम कार्ड बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सपोज इट आप पैसा लगाते हैं स्नो पाउडर लिपस्टिक और आटा चावल गेहूं वाला स्टॉक, जिसको FMCG बोलते हैं दोस्तों। तो FMCG स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हैं, आप एक बात बता दीजिए कि FMCG के स्टॉक्स में जिस दिन रैली लगती है, जिस दिन FMCG स्टॉक चलता है, तो 100% मेरा दावा है कि ब्रिटानिया, नेस्ले, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी विलमार, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, टेस्टी बाइट और भी ITC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये जो है आपको 100% जिस दिन FMCG चलेगा उस दिन आपको कमाई जरूर कराएगा। लेकिन एक बात बता दीजिए, हम उसमें FMCG का भी काम करते हैं, टेली कम्युनिकेशंस का भी करते हैं, ऑयल नेचुरल गैस का भी करते हैं, तो क्या FMCG का स्टॉक जिस दिन चलेगा और वो जो कंपनी हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम एक है दोस्तों, और इस कंपनी में जिस दिन FMCG चलेगा 100% मेरा दावा है कि आपका पैसा अगर इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाते हैं तो आपका पैसा उस दिन नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, ये सोच के चलते हैं कि पूरा इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की, स्पेशली आज हम बात करने के लिए 5G सेक्टर के स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, जियो जियो 2G, 3G, 4G और 5G, आप जियो के नाम पे 5G सेक्टर के स्टॉक्स में टेली कम्युनिकेशंस में पैसा लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो
तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, अगर टेली कम्युनिकेशन में लगाने के लिए 5G जियो के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए कि जियो का कोई भी लिस्टेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टेली कम्युनिकेशन के नाम से जियो का कोई भी लिस्टिंग नहीं है दोस्तों। जियो एक ब्रांड है और वो ब्रांड किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप पैसा लगाएंगे जियो में, लेकिन उसकी अगर रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस का जो सोने चांदी का काम है, रिलायंस का रिफाइनरी का जो काम है, वो पूरा उसको इंक्लूडिंग आएगा। और सपोज दे 4 सेक्टर में जो काम कर रहा है, आपने जियो में टेली कम्युनिकेशन और 5G सेक्टर के नाम पे पैसा लगाए हैं, उस दिन तो वो आप भारतीय एयरटेल बढ़ रहा है, वोडाफोन आइडिया बढ़ रहा है, MTNL उस दिन बढ़ रहा है, इंडस टावर बढ़ रहा है, तेजस नेटवर्क बढ़ रहा है, स्टार लाइट बढ़ रहा है, HFCL बढ़ रहा है, और भी 5G सेक्टर के स्टॉक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टावर से संबंधित। लेकिन रिलायंस इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने जियो में पैसा लगाया है और जियो टेलीकॉम्युनिकेशन के कम्युनिकेशंस के नाम में। लेकिन उस दिन ऑयल नेचुरल गैस, FMCG और गोल्ड का जो काम, रिलायंस गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स और कौन कौन सा रिलायंस का शोरूम, सोने चांदी गहनों की जो ज्वेलरी का दुकान है, ओ 4 सेक्टर में काम कर रहे हैं हम, 3 सेक्टर और 1 सेक्टर बढ़ रहा है जिसमें हमने पैसा लगाया है। मेरे कहने का मतलब आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए दोस्त, 1 सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप पैसा लगाते हैं उस सेक्टर में सिर्फ और एक कंपनी, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस नाम से, जैसे कि आईटीसी FMCG सेक्टर में काम करती है, बड़ा नाम है, लेकिन उसका भी यही काम है, कागज़ पेपर अखबार भी बेचेगा, होटल भी चलाएगा, सिगरेट भी बेचेगा और आटा भी बेचेगा। लेकिन इसीलिए इन सब का प्राइस, ये कंपनी तो अपने लिए बढ़ते हैं दिन दूना रात चौगुना, लेकिन आपके पैसे जो है बढ़ते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में कभी भी अमीर और धनी आप नहीं बन सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाकर, आईटीसी जैसे स्टॉक में पैसा लगाकर, क्योंकि इन कंपनियों का जो नेचर ऑफ वर्क है उसको समझना सिर्फ MBA BK सिंह जैसे लोगों की बस की बात है, और ये अच्छी तरह जानते हैं जो हम क्या बोल रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नए लोग और नए इन्वेस्टर फंसते हैं, और इसमें बहुत बड़ा खेल FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसा लगाए हैं दोस्तों, आप ही जान लीजिए कि रिफाइनरी में लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी में, तो रिलायंस में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ लगाइए, अगर आपका मन है गैस, पेट्रोल, डीजल, रिफाइनरी का जो काम है, अगर ये आप पैसा लगाना चाहते हैं तो रिलायंस इज बेस्ट स्टॉक फॉर ओनली रिफाइनरी ऑयल नेचुरल गैस। बाकी किसी क्षेत्र में अगर सोचते हैं पैसा लगाने के लिए, आप FMCG में लगाना चाहते हैं तो कभी मत लगाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा, अगर आप टेली कम्युनिकेशन में लगाना चाहते हैं जियो के नाम पे तो कभी मत लगाइए पैसा, आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ने वाला है, कंपनी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का 4 काम एक ही जगह है, और वो आपका पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, हम तो बढ़ेंगे दोस्तों दिन दूना रात चौगुना, क्योंकि हम सोच क्या है कि हमारा नुकसान कभी नहीं हो, दुनिया जाए भाड़ में, कहावत एक है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो उसी तरह कुछ ऐसी कंपनियां देश में हैं
उनका तो काम बनता, और खुदरा रिटेलर और नए शेयरधारक का काम बिगड़ता। तो ये आप जान लीजिए, ये वीडियो आपको इसलिए हमने बनाने के लिए सोचे कि धोखे में न रहिए, और धोखा देने वाले ऐसी बहुत सारी कंपनियां देश में हमारे हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना तो उल्लू सीधा करते हैं, और इसको बताने के लिए इसलिए नहीं आपको पता चलेगा कि कहीं इसकी चर्चा नहीं होगी। दोस्तों अडानी का देख लीजिए, तेल आटा बेचता है तो तेल आटा बेचता ही है अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी विलमार क्या करता है, सेपरेट काम करता है। अडानी पोर्ट क्या करता है, सिर्फ पोर्ट का काम करता है। अडानी टोटल गैस का काम करता है, अलग अलग कंपनी है, ताकि आपको पता चले कि जिस दिन उस सेक्टर में अगर रैली बने, पैसा बढ़े, जैसे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में पैसा बनाया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 3,00,000 करोड़ इन्वेस्टरों का डूब गया सिर्फ 15 दिन में दोस्तों, और वही आज हमारे भारतीय बाजार में 65,000 करोड़ का बेनिफिट भारतीय और विदेशी मिलकर इन्वेस्टर कल कमाई किए मंगलवार को। क्यों? कि वो सेपरेट, और वही देख लीजिए जो 9% 10% कभी इतिहास उठाकर बता दीजिए दोस्तों,